प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास रूस के गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। 51 दिन 3,200 किलोमीटर का सफर, 18 लग्जरी कमरे, 18 की गई है। और जो कमरे हैं वो खास हैं, 18 कमरे हैं, उनमें से एक कमरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। काशी का आलीशान क्रूज, हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बन रहे गंगा पर तैरता महल आपने देखा है, हर एक सुख सुविधाएं यहाँ पर, जो एक 5-स्टार होटल में होती है वैसी ही सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे लंबा, सबसे भव्य क्रूज, पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। 5-स्टार क्रूज की जी न्यूज पर एक एक झलक। काशी का क्रूज। तो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर निकलने वाले रिवर क्रूज गंगा विलास को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज 52 दिन में करीब 3,200 किलोमीटर की दूरी तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और 5-स्टार सुविधा और आधुनिक तकनीक से भरा यह सफर कई मायने में वैश्विक स्तर के मापदंडों पर खरा उतरता है। इस क्रूज के पहले सफर में 32 स्विस यात्री सवार हैं और इस क्रूज में रेस्टोरेंट, स्पा, लग्जरी रूम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग पहले ऐसे अनुभव के लिए विदेश जाते थे लेकिन अब देश में ये अनुभव ले सकते हैं। आलीशान कमरे, 5-स्टार सुविधा, दो देशों का सफर, गंगा की लहरों पर तैरता जल महल, दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ। अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य, गंगा की लहरों पर तैरता ये जल महल बाबा विश्वनाथ की काशी की शान में 4 चांद लगा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा गंगा विलास क्रूज अब देश को मिल चुका है। पीएम मोदी ने आज इसे हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही ये आलीशान क्रूज अपनी पहली यात्रा पर रवाना हो गया। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ। गंगा विलास क्रूज क्यों खास है, क्यों अलग है, ये तस्वीरें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। ये क्रूज इतना भव्य है कि इसे देख 5-स्टार होटल की चमक भी फीकी नजर आती है। जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, लग्जरी लाउंज, गंगा पर तैरता ये अपने आप में पहला ऐसा लग्जरी क्रूज है जो अब से पहले भारत में कभी नहीं देखा गया। पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में
और प्रमुखता से आने वाले हैं। के सबसे बड़े रिवर क्रूज यानी कि गंगा विलास पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेन डेक पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो ये पूरा इलाका आपको दिखा रहा है, भीतर की तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इन तमाम कमरों में जो रंग किए गए हैं उसकी अपनी एक खासियत है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको ये गलीचे भी दिखाएंगे। देखिए ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो गलीचा, उसकी भी अपनी खासियत है। उत्तर प्रदेश के भदोही से इसे मंगवाया गया है और आपको बता दें कि चप्पलें यहां पर उतारने को कहा गया है। योगा प्राणायाम यात्री आए हुए हैं, पर्यटक आए हैं, उनके लिए सब कुछ यहां पर व्यवस्था की गई है। और बाबा की नगरी काशी से चलकर ये आलीशान क्रूज डिब्रूगढ़ की यात्रा करेगा। रास्ते में पटना, कोलकाता, ढाका और शिव सागर भी शामिल है। इस दौरान ये भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। 3,200 किलोमीटर का ये सफर कुल 51 दिनों का होगा। इस दौरान इस क्रूज के जरिए 50 पर्यटक स्थल जुड़ेंगे। कमरे हैं वो खास हैं, 18 कमरे हैं, उनमें से एक कमरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है और वॉशरूम में हर एक सुख सुविधाएं यहाँ पर जो एक 5-स्टार होटल में होती है वैसी ही सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप देखिए शावर वाला जो इलाका है, उसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक एक मार्बल, एक एक चीज बहुत ही सलीके से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पानी में चल रहे किसी क्रूज पर हैं। ऐसा लगता है कि आप जमीन पर कोई 5-स्टार होटल है वहां पर है। जरा भीतर अब एंट्री करते हैं जो मेहमान यहाँ पर आएंगे। हमने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर चप्पल या जूते अलाउ नहीं है, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह के जूट के ये स्लीपर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत खास है। और उसके बाद यहाँ मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के, आप देखिए जो पिलो हैं, ये पिलो कवर्स भी बहुत खास है। कहीं बनारस की हम कहें तो झलक दिखती है, कपड़े बनारसी हैं, कहीं रेशम का काम दिखता है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर गेस्ट आएंगे उनके लिए ये एक छोटा सा टीवी सेट, और नीचे भी आप देखिए कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी इलाका यहाँ पर है। काशी से डिब्रूगढ़ तक कुल 51 दिनों के सफर के गवाह बने हैं वो 32 सैलानी जो स्विट्जरलैंड की धरती से चलकर भारत की संस्कृति और धरोहर को आंखों में बसा लेना चाहते हैं। गंगा विलास क्रूज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 32 ऐसे स्विस पर्यटक हैं जिन्हें मौका मिला है इस क्रूज पर जाने का। और देखिए यहाँ पर कुछ पर्यटक भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कितने उत्साहित हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया। हेलो, वी आर सो हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। सो यू गाइज आर वन ऑफ दोज who are, you know, traveling on this cruise for the first time. How excited you all are, or like nervous? What are your feelings right now? Yeah, I'm very excited because it's the first time for me to start such a long boat tour, and we feel very welcome. So we have visited Varanasi with the gods, and we saw the Aarti ceremony. And it was very beautiful. Did you like the place and enjoyed it, ma'am? Yes, it's so different to our country at home, and everybody is friendly and show us the most beautiful things, and we are so blessed to be here. Okay, tell me something about your rooms, because you know people are comparing these rooms with 5-star hotels. So how is your stay here? It's quite large for a boat cabin, and of course new, it's a new ship, and we feel very comfortable. It's like you are on honeymoon. We are not on honeymoon, but it feels like so beautiful, yeah. कुल 18 स्वीट्स वाले इस आलीशान क्रूज में हर वो सुख सुविधा है जो किसी बड़े 5-स्टार होटल में मौजूद रहती है। कहा जाता है बनारस के बारे में कि यहाँ काशीनाथ का दरबार है, माँ गंगा की जय जयकार है, और आध्यात्म की इस नगरी में आने के बाद जीवन का सार मिलता है।
यहाँ आते थे वो हमेशा देखिए इन घाटों पर या यहाँ के होटल में रुका करते थे, आम इलाकों में जाते थे, लेकिन अब वो क्रूज पर आए और जहां जहां पर ये जाएगा, चाहे असम का इलाका हो, बांग्लादेश का इलाका हो, देखिए 27 नदी प्रणालियां हैं, वो पूरा इसको कवर करेगा। तो ऐसे में ना सिर्फ जो पर्यटन स्थल है, ना सिर्फ जो धरोहर है हमारी, उसके अलावा भी हम कहें तो धार्मिक लिहाज से भी, पर्यटन के लिहाज से भी ये क्रूज और इसकी जर्नी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। Oh, very excited. It's completely new to situation for me, you know. Have you ever been to Benares before this? No, it's my first time. First visit, yes. And I really enjoy it. I enjoy the people, I enjoy the culture. That's actually the idea why I'm here. The culture to see how the people lives and how they are. बिल्कुल साफ तौर पर तो आपने देखा ये बाहर, आप देख सकते हैं कि डेक के ऊपर ही यहाँ एक स्क्रीन लगाई गई है बड़ी, जहाँ पर अब जब ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो रही है तो उस सेरेमनी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आप लोग पा रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये सभी लोग जुड़े हुए हैं और इनकी सहयोग से ही ये सब कुछ यहाँ पर हो पाया है। यहाँ पर करने के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू इंडिया। वेलकम, यस। हाउ एक्साइटेड यू आर? आई एम वेरी एक्साइटेड। डू यू लाइक द क्रूज? आई थिंक आई विल लाइक द क्रूज। गंगा विलास क्रूज की कुल लंबाई 65.5 मीटर है, जबकि 12.8 मीटर ये चौड़ा है। दो मंजिल वाले इस क्रूज में कुल 18 स्वीट्स हैं। सैलानियों के लिए 40 सीटों वाला रेस्टोरेंट है, जिसमें कॉन्टिनेंटल के साथ साथ इंडियन फूड भी परोसा जाएगा। रेस्टोरेंट में एक बूफे काउंटर भी है, जो सैलानियों को अपने मनपसंद व्यंजन खाने की आजादी देगा। क्रूज में लाउंज के साथ ऊपरी डेक पर 3 सन डेक है। आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ बार भी बनाया गया है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट रूम, स्पा, डाइनिंग रूम और स्टडी रूम शामिल है। क्रूज के कमरों में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी तमाम सुविधाएं हैं। 51 दिनों तक इस क्रूज में गुजारने वाले सैलानियों के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया है, साथ ही एक लाइब्रेरी भी है। लग्जरी सुविधाओं से लैस इस क्रूज के इंटीरियर में देश की संस्कृति और धरोहर की झलक देखी जा सकती है। इस क्रूज को कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इसके डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया है, साथ ही रंगों का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। राज सिंह, जो कि चेयरमैन है इस कंपनी के, सर आज का दिन इंतजार आप लोग कर रहे थे कि फ्लैग ऑफ हो और ये क्रूज यहाँ से रवाना हो, कितने उत्साहित, कितने एक्साइटेड? ये बहुत ही एक्साइटिंग डे है और मैं ये कहूँगा कि ये जहाज जो है ये मेड। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।